वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हमारी ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक, पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल्स। इसके हमारे टॉप 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फोर फ्रेंड स्टार्ट फ्रॉम फोर टाउन्स विच आर एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ एन इमेजिनरी रेक्टेंगल। एक कोई इमेजिनरी कोई रेक्टेंगल है हमारा, मान लेते हैं ये फोर फ्रेंड्स जो थे इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स में थे चारों। मान लेते एक फ्रेंड इज ए हियर, बी सेकंड फ्रेंड, सी इज हियर एंड डी इज द फोर्थ फ्रेंड। फोर कॉर्नर्स ऑफ एन इमेजिनरी रेक्टेंगल, दे मीट एट अ पॉइंट व्हिच फॉल्स इनसाइड द रेक्टेंगल आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40, 50 एंड 60 मीटर्स। द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द फोर्थ कुड हैव ट्रेवल्ड इज अप्रोक्सीमेटली। यानी तीन फ्रेंड का तो हमें दे रखा है, कौन से फ्रेंड ने कितना ट्रेवल किया ये अभी हमें नहीं पता। हम देखिए कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं किस तरीके की सिचुएशन होगी। मान ली ए कुछ डिस्टेंस चला, यहाँ से बी कुछ चला, सी कुछ डिस्टेंस चला और डी कुछ डिस्टेंस चला है, और ये पॉइंट मान लेते हैं ओ। इस पॉइंट ओ पे आके सबने मीट करा, तो हम इनके डिस्टेंस के नाम दे देते हैं। इसे ले लेते हैं स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी एंड दिस इज स्मॉल डी। अब हमसे ये कह रहा है कि 40, 50 और 60 तो हमें पता है, एक फ्रेंड 40 चल रहा है, एक 50, एक 60। तो जो चौथा चल रहा है वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस चला होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी फोर्थ की। तो हम पहले ए बी सी डी में कोई रिलेशन बनाए, एटलीस्ट कोई रिलेशन बनेगी तभी तो हम बता पाएंगे कि मैक्सिमम कैसा है। तो रिलेशन बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे हम। सबसे सिंपल केस क्या है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लो ताकि ये ट्राइंगल्स बनेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिर हम इनकी ए बी सी डी में रिलेशन बना सकते हैं। और इस रेक्टेंगल की साइड को मान लेते हैं एक्स और इस वाली साइड को मान लेते हैं वाई। ठीक, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब दूसरी चीज क्या पता चल सकती है, देखिए ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इसे मान लेते हैं जेड, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस जेड। ऐसे क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, इसकी वैल्यू को हम मान लेंगे दूसरे को, दूसरे की कोई रिलेशन हमें हेल्पफुल रहेगी इसमें। ओके, इसको हम मान लेते हैं देखिए H, या फिर ऐसा करते हैं एक रेक्टेंगल, एक राइट एंगल यहाँ भी ड्रॉप कर देते हैं, और ये जो हमने ड्रॉप किया इसकी वर्टिकल हाइट को मान लेते हैं H, तो ये हो जाएगा Y माइनस H। ठीक, तो ये हमें पॉइंट मिल गया, इनका कुछ नाम दे देते हैं, लेट इट बी P एंड लेट इट बी Q, ये बीच में ओ है। अब देखते हैं, ध्यान से देखिए बस सिंपल। अब हमें ट्राइंगल्स में रिलेशन बनानी, इन ट्राइंगल ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ ये ट्राइंगल है, मैं शेड कर देता हूँ मैं आपके लिए ताकि समझने में आसानी हो। दिस इज ए पी ओ, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस सिंपल और कुछ नहीं। तो ए पी ओ में हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए पी ओ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल दूसरा देखिए क्या बन रहा है, बी पी ओ, बी पी ओ ट्राइंगल देखो ये है, इसमें देखो बी पी ओ में फिर से पाइथागोरस लगाओ, कुछ नहीं सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है, एक सिर्फ हमें एज्यूम करने थे ये परपेंडिकुलर्स। अब सिर्फ पाइथागोरस के बेस पे आंसर आ जाएगा, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। तीसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल सी ओ क्यू, सी ओ क्यू कौन सा ट्राइंगल है देखो, सी ओ क्यू ये ट्राइंगल है, दिस वन, इसमें देखो ये क्या पाइथागोरस है, ये भी देखो जेड होगा इधर और ये भी क्या होगा एक्स माइनस जेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच स्क्वायर, इक्वेशन 3।
और लास्ट ट्राइंगल जो बचा हमारे पास डी ओ क्यू, उसमें हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एच स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज फोर्थ। अब जल्दी से आप देख के ये बताओ कि हमने जब चार ट्राइंगल्स ले लिए हैं तो इस चार ट्राइंगल में किन दो का सम सेम आ रहा है? कोई दो आपस में इक्वल होंगे और कोई दो का सम आपस में इक्वल होगा, तो अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दो देखिए तो हमें क्या मिलेगा। देखिए एक एच स्क्वायर है, एक एक्स माइनस जेड है, एक जेड स्क्वायर है, एक वाई माइनस एच, यानी फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं सम करूं और देखिए सेकंड और फोर्थ का सम कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमें रिलेशन पता चल गई, यानी चार फ्रेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसमें से ये रिलेशन होगी, किन्हीं दो का स्क्वायर्स का सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर्स। लेकिन कंडीशन देखिए क्या थी, फाइंड द मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है हमें। तो मैक्सिमम डिस्टेंस देखिए कैसे बनेगा, हमारे पास तीन वैल्यूज है 40, 50 और 60। तो देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस तभी हो सकता है जब डी के साथ सबसे छोटी वैल्यू ऐड हो रही हो और बाकी दोनों बड़ी वैल्यूज दूसरी साइड। इस इक्वालिटी को सेम करने में जो डी की वैल्यू आएगी दैट विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी, यानी डी स्क्वायर प्लस 1600 इज इक्वल टू 2500 प्लस 3600। डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4500, तो डी आ गया अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 67 मीटर। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए 67 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन था लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने आंसर दे दिया इसका। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर। कोई एक गिवन स्क्वायर है, उसके हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या करा, एक और ट्राई स्क्वायर्स बना लिया लाइक दिस। देन फिर क्या कह रहा है, थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन इन साइड द सेकेंड स्क्वायर इन द सेम वे एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड इनडेफिनेटली। यानी फिर इसकी हमने क्या करा, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना लिया एंड अगेन फिर क्या करा, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया और ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा है। तो ये पूछ रहा है इन सब स्क्वायर्स का सम कितना होगा, यानी एक इनफाइनाइट सीरीज है इसका सम कितना होगा। इफ द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है पहले का 8 सेंटीमीटर, तो सम ऑफ ऑल एरियाज। देखिए यहाँ देखिए 8 है, अब कोशिश ये करिए सबसे पहले ये डिफाइन करने की कि जो हमने पहला स्क्वायर बनाया उसकी क्या रिलेशन होगी। मैं देखिए यहाँ अलग आपके लिए बना देता हूँ, ये सबसे बड़ा स्क्वायर है जिसके साइड है 8। अब इसमें हमने ये ज्वाइन करके इसके अंदर एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ये बाहर जो होते हैं सब 8 था। अब एक बस एक चीज पे ध्यान देना सिंपल, देखिए इसका जो डायगोनल है दैट विल बी इक्वल टू 8। मान लीजिए ये बड़ी वाली जो साइड है उसकी वैल्यू है कैपिटल ए से लिख रहा हूँ मैं, और स्मॉल जो साइड है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, लेकिन इसका डायगोनल, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है उसका √2 टाइम्स ये इक्वल टू बिगर साइड है, यानी स्मॉल वाला जो डायगोनल है उसकी जो साइड आ रही है वो आ रही है बड़े वाले स्क्वायर के डिवाइड बाय √2। तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर बाय 2 सॉरी, यानी बड़े वाले स्क्वायर के एरिया का हाफ हो रहा है, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर को क्या कर देना है 2 से डिवाइड। यानी ये जो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी हमारे पास इनके एरिया का सम जो होगा वो लाइक दिस होगा कि बड़े वाले का फिर हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ लाइक दिस। यानी पहले वाले का एरिया अगर 64 है तो दूसरे वाले का हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 16 प्लस 8, ये ऐसे कंटिन्यू है इनफाइनाइट सीरीज। तो हमें पता है इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पर ए यानी फर्स्ट टर्म में 64, दिस इज ए,
और कॉमन फैक्टर इज हाफ, तो ये आ गया 64 माइनस 1/2, 1/2 यानी 64 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 128। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन है, यानी इस तरीके के जो इनफाइनाइट स्क्वायर है उनका सम होगा 128। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ एरिया 4 विच इज डिवाइडेड इनटू 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स, यानी इसको डिवाइड किया गया है 4 नॉन ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो देखिए कौन से 4 ट्राइंगल है, एक तो ये है, दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल, इसके साथ दूसरा नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल है दिस वन, दिस इज सेकंड, इसके बाद नॉन ओवरलैपिंग है दिस वन, दिस इज द थर्ड ट्राइंगल, और फिर चौथा जो नॉन ओवरलैपिंग है दिस वन। ये 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल है, इनका पेरीमीटर पूछ रहा है, सिंपल और कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। देखिए स्क्वायर का एरिया दे रखा है, स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 4, स्क्वायर की साइड मान लेते हैं हम ए, तो उसका एरिया का स्क्वायर का एरिया हो जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू आ गई 2, यानी ये जो साइड है ये सब आ गए 2। नाउ डायगोनल कितना हो जाता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज, ये सिंपल फार्मूला है ये आपको याद रखने है एकदम, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए रूट 2 यानी 2√2, तो जो पूरा डायगोनल है दैट इज 2√2, यानी ए सी की वैल्यू है 2√2। अब इस सेंटर पॉइंट को ले लेते हैं ओ, तो ए ओ की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को हाफ पर इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 2√2, यानी ये हो गया 2√2 और ये भी है 2√2। अब हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल के मान लिया ए ओ बी ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, देखिए एक तो साइड है ये दिस 2 और फिर 2 हाफ पार्ट ऑफ डायगोनल्स, तो इट विल बी इक्वल टू 2 + 2√2, तो पेरीमीटर ऑफ 4 ट्राइंगल्स हो जाएगा, क्योंकि चारों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टू प्लस 2√2, तो ये आ गया देखिए 8 + 8√2, अगर 8 कॉमन ले लो तो आंसर हमारे पास आ गया 8 × 1 + √2, ऑप्शन बी दैट इज अवर आंसर। तो ऐसे 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल है, तो इनमें आंसर हो जाएगा हमारे पास 8 × 1 + √2। क्वेश्चन 4 पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन 4 में कह रहा है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स विद इंटीग्रल साइड्स, याद रखना इंटीजर होनी चाहिए, साइड्स आर पॉसिबल व्हेन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल क्या दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो पूछ रहा है ऐसे कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं जबकि साइड्स क्या हो इंटीजर, तो साइड्स मान लेते हैं हम लेंथ और ब्रेथ, तो देखिए एरिया हो जाएगा एल इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 × L + B, यानी एल बी इज इक्वल टू 2L + 2B, तो मैं साइड सॉल्व कर रहा हूँ, इसे हम लिख सकते हैं देखिए एल बी माइनस 2B इज इक्वल टू 2L, बी कॉमन ले लेते हैं एल माइनस 2 इज इक्वल टू 2L, बी इज इक्वल टू 2L / L - 2, इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया है कि हम आप बता सकते हैं कि बी एंड एल क्या होने चाहिए शुड बी इंटीजर्स। तो ऐसे देखिए हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी, एक क्या हो सकती है जब दोनों इक्वल हो जाए लेंथ और ब्रेथ, और एक क्या हो जाए एल बी की वैल्यू हो जाए 3 और 6, यही 2 पॉसिबिलिटीज है, तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अ स्क्वायर हुज साइड इज 2 मीटर हैज इट्स कॉर्नर कट अवे सो एज टू फॉर्म एन ऑक्टोगन, ऑक्टोगन क्या होता है जिसकी 8 साइड्स होती है, ऑक्टोगन होता है 8 साइड्स वाले पॉलीगन को हम कहते हैं ऑक्टोगन,
दिस इज अवर स्क्वायर हुज साइड इज 2 मीटर. ये हमें गिवन था कितनी है 2 मीटर. अब इसको कॉर्नर को हमने कट कर दिया है सो एज टू फॉर्म एन ऑक्टोगन. देखिए किस तरीके से किया होगा. अगर मैं देखिए इसके साइड को ऐसे कट कर दूं लाइक दिस, अगेन इसके साइड को कट कर दूं, अगेन इधर से कॉर्नर कट कर दूं और अगेन कॉर्नर कट कर दूं, तो ये अंदर देखिए जो ब्लू शेप में आ रहा है दैट इज एन ऑक्टागन, यानी 8 साइड्स हो गई. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइड्स की एक फिगर बन गई दैट इज ऑक्टागन. तो इसकी साइड पूछ रहा है आपसे कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ऑक्टागन इज दिस. ऑक्टागन जो बना है ये हमारा रेगुलर ऑक्टागन है. रेगुलर मतलब इक्वल साइड, सारी साइड्स क्या है इक्वल है. अब बताना अगर ये 2 है तो ऑक्टोगन कितना होगा. देखिए क्वेश्चन देखने में आपको ट्रिकी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं एक्चुअल में, सिंपल. देखिए आपने कट किया, कट कितना किया होगा, मान लेते हैं एक्स इस साइड से और एक्स इस साइड से, तो हर जगह हमने कितनी लेंथ कट कर दी एक्स. अब आप मुझे बताइए अगर यहाँ से हम एक्स और एक्स कट कर रहे हैं ये पूरी साइड कितनी है, क्योंकि स्क्वायर है ये पूरी साइड है 2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी. बस आप ये आंसर बता दीजिए कि जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे. देखिए एक्स इस साइड से कट हुई, एक्स इस साइड से कट हुई, तो 2 में से 2 बार एक्स माइनस हो रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2 एक्स. यानी लेंथ ऑफ ऑक्टागन हमारे पास आ गई, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ऑक्टागन आ गई 2 माइनस 2 एक्स. अब देखिए एक्स और अगर हम इसकी साइड्स में रिलेशन पता कर ले तो हम बता सकते हैं कि क्या होगी साइड. अब देखिए ऑक्टोगन की ये 2 माइनस 2 एक्स है तो ये साइड भी कितनी होगी 2 माइनस 2 एक्स. अब बस इस ट्राइंगल पे आप फोकस रखिए, दिस वन दिस ट्राइंगल. देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल को मैं अलग बाहर बना देता हूँ बड़ा करके. दिस इज अवर ट्राइंगल, ये एक्स है, ये एक्स है और ये जो साइड है ये ऑक्टोगन की साइड है 2 माइनस 2 एक्स. अब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस है ये दिस, तो 2 माइनस 2 एक्स. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए ये एक्स है और ये एक्स है, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितनी होनी चाहिए साइड, x√2. तो 2 माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू कितना है x√2. तो हम इसको लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 2 माइनस 2 एक्स इज x√2. इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको इधर बचा देते हैं x वाले को एक तरफ, तो 2 इज इक्वल टू x√2 प्लस 2 एक्स, तो 2 इज इक्वल टू इक्वल टू आ गया. देखिए एक्स कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये आ गया 2 प्लस √2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 2 प्लस √2. ये आ गया हमारे पास. अब देखिए लेंथ ऑफ ऑक्टोगन हमने 2 माइनस 2 एक्स निकाली थी, ये किसके बराबर थी, ये है x√2 के बराबर, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखिए 2 प्लस √2 × √2 से मल्टीप्लाई कर दो. इसमें से √2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 × √2 + 1, तो 2 अपॉन √2 + 1, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज अवर आंसर. क्वेश्चन 6 पे आते हैं. फ्रॉम अ रेक्टेंगल एबीसीडी ऑफ एरिया 786 सेंटीमीटर अ सेमी सर्कुलर पार्ट विद डायमीटर ए बी. हम बना लेते हैं पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, दैट इज ए बी सी डी. अब क्या कह रहा है, इसका एरिया दिया है हमें, एरिया इज इक्वल टू 768 सेंटीमीटर स्क्वायर. अ सेमी सर्कुलर पार्ट विद डायमीटर ए बी, सेमी सर्कुलर पार्ट विद डायमीटर ए बी एंड एरिया दिस इज रिमूव्ड. यहाँ से हमने क्या करा, एक सेमी सर्कल बनाया है
और इसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया इस पोर्शन को। एंड एरिया 72 पाई, इसका एरिया हमें गिवन है सेमी सर्कुलर पोर्शन का 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू पूरे सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो हमें दिया है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 72 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144, आर की वैल्यू आ गई 12। तो रेडियस हमारे पास आ गया 12। तो रेडियस अगर 12 है तो ये पूरी साइड हो जाएगी 12 और 12 मिलके, यानी ये साइड है 24। अब एरिया 786 है, तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 768 इज इक्वल टू लेंथ, हमें पता चल जाएगी ब्रेथ है 24, लेंथ की वैल्यू आ गई, इसे 24 से डिवाइड किया, 24 थ्री जा 72 एंड देन 48 टू जा 32, तो लेंथ हमारे पास आ गई 32। दिस मच लेंथ इज 32। अब पूछ रहा पेरीमीटर ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ लेफ्ट ओवर पोर्शन क्या है, एक बार ये साइड यानी कि 32, देन ये साइड 24, देन अगेन ये साइड 32, और ये लास्ट में एक जो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन जो कट हुआ हुआ है, तो यानी पेरीमीटर हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 32 प्लस 24 प्लस 32 प्लस ये सेमी सर्कमफेरेंस है सेमी सर्किल का, यानी कि पाई आर, आर की वैल्यू हमें पता है कितनी थी 12। उन तीनों का सम हो गया 4 2 6 8, 3 2 5 और 8, 88 प्लस 12 पाई। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 88 प्लस 12 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर आर इन द रेशियो दिस, यानी किसी रेक्टेंगल के लिए, फॉर एनी रेक्टेंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एनी रेक्टेंगल एरिया मींस ए एंड स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 1/25। तो पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टर एंड लॉन्गर साइड, हम मान लेते हैं लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ है, तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ द शॉर्टर एंड लॉन्गर साइड इनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए हमें पता है एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर होता है 2l + b, बट इसका क्या है स्क्वायर है इज इक्वल टू 1/25, यानी lb/l + b द होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 4 है, 4 इस तरफ चला जाएगा 4/25। तो ये देखिए ये रिलेशन किस ऑप्शन से आएगी, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे ऑप्शन पुट करके देख लेंगे। जैसे मैं ऑप्शन वन लेता हूँ, ऑप्शन ए कह रहा है b = 2x एंड n = 9x, इस फॉर्म में 2/9 है, 2/9 इसमें रख के देखेंगे हम, तो 2 9 18 और नीचे 11 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। देखिए ये थोड़ा अब आपको जल्दी समझने की बात है कि कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। देखिए x तो lb हो गया, देखिए 3x * x, और सम हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, तो देखिए 3/16 ये भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं हम, ऑप्शन डी में दे रखा है बी मान लेते हैं एक्स, तो लेंथ हो जाएगा 4x, एल इंटू बी देखिए क्या आ गया 4x² और l + b द होल स्क्वायर आ गया 5x का होल स्क्वायर, ये इनका रेश हो गया 4x² / 25x², यानी 4/25। तो ये आंसर आ गया 1:4। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन से हमें हेल्प मिल रही तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधे क्या करो ऑप्शन पुट करके चेक कर लो। क्वेश्चन 8 पर आते, ए बी सी डी ई एफ बी आर रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 and 6, this is A B C D E F,
रेगुलर देखिए, जहां भी वर्ड लगा होता है रेगुलर का मतलब होता है इक्वल साइड्स। कोई भी फिगर है दैट इज हैविंग इक्वल साइड, वी पुट रेगुलर वर्ड बिफोर इट। तो रेगुलर हेक्सागन मीन्स रेगुलर इक्वल साइड हेक्सागन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई। दिस ट्राइंगल, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई टू दैट ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, इसका रेशियो पूछ रहा है आपसे क्या होगा। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, थोड़ा सा हमें सोचना है। देखिए मान लीजिए इसकी साइड हम ले लेते हैं ए, तो ये भी साइड क्या होगी, ए, सारी साइड्स ए होंगी। तो इस ट्राइंगल की बात करें ए ई एफ में, अगर ये दोनों साइड ए ए हैं तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये एंगल हमें पता है हेक्सागन का ईच इंटीरियर एंगल, ये कुछ रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो देखिए ये 120 है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे आपस में, तो ये कितने हो जाएंगे, 30 और 30। अब देखिए 30 30 है, इस ट्राइंगल को मैं ये अलग बाहर बना लेता हूँ ताकि आप जरा अच्छे से समझ पाए। दिस इज ए, दिस इज एफ एंड दिस इज ई, ये एंगल है 30 डिग्री। तो यहां से मैं देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब देखिए ये ए है, तो इस ट्राइंगल में देखिए कॉस 30 की अगर मैं वैल्यू आपसे पूछूं कितनी होगी, कॉस 30 साइड एडजेसेंट, इसे मान लेता हूँ मैं एक्स, ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, यानी एक्स की वैल्यू हो गई ए इंटू कॉस 30। कॉस 30 इज √3/2, ये आ गया। और इसको मैं अगर मान लेता हूँ वाई, तो साइन 30 इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, तो वाई की वैल्यू हो गई, साइन 30 होता है हाफ, तो वाई इज इक्वल टू ए बाई टू। ये दो रिलेशन हमें मिल गए। ये रिलेशन देखिए मैं क्यों निकाल रहा हूँ, अब इससे मुझे देखिए ट्राइंगल ए ई का एरिया पता करना है। देखिए ए सी ई जो होता है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई विल बी इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब इसकी साइड, एक्चुअली मुझे ये पूरी साइड निकालनी थी। तो देखिए ए ई जो है, ए ई क्या है, ये है इधर ए ई, ए ई विल बी इक्वल टू 2x, तो एक्स की वैल्यू आ गई √3/2, तो ए ई की वैल्यू हो जाएगी, यहां मैं लिख देता हूँ, देखिए √3a/2 इंटू 2, इसका डबल है तो √3a, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। ये पूरी साइड हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू आ गई √3 times a। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4, यानी इसका एरिया हो जाएगा, मैं इधर इस साइड लिखता हूँ, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई इक्वल टू आ गया √3/4 इंटू √3a का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 3a स्क्वायर, ये आ गया पार्ट वन। नाउ एरिया ऑफ हेक्सागन, देखो हेक्सागन का जो एरिया होता है, या तो आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो एक रिलेशन याद रखिए कि अगर इसके हम सेंटर से ट्राइंगल्स बनाना शुरू करें तो देखिए इसमें क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हर इक्विलेटरल के साइड जो होती है वो ए के बराबर, जो साइड ऑफ हेक्सागन है वो होती है। तो किसी भी ऐसे एक ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल लूँ लाइक दिस, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल दूँ, तो उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे हेक्सागन का एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागन हो जाएगा 6 into √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये आ गया सेकेंड। अब हमसे इसका रेशियो पूछा था,
What is the ratio of area of triangle AEC to the hexagon? Area of triangle AC upon hexagon ABC DEF. इसका रेशियो हो जाएगा देखिए रूट थ्री बाई फोर इंटू थ्री ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट थ्री बाई फोर इंटू सिक्स ए स्क्वायर. तो ये कैंसिल, थ्री से टू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यानी वन अपॉन टू. तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वन अपॉन टू. ये जो रिलेशन आपको पता चलती जा रही हर क्वेश्चन में, प्लीज इनको एक जगह लिखिए और उनको याद रखिए कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन 120 डिग्री, हेक्सागन कैन बी डिवाइडेड इनटू सिक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इस तरीके की रिलेशन आपको याद होनी चाहिए. तो उसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, कभी कभी उसकी एप्लीकेशन होती है. जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये अभी जो आपने पीछे जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है. अब आप कितनी जल्दी अप्लाई कर पा रहे हैं ये अब अपने आप को जज कीजिए. इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन एंड एंगल ए ओ एफ एस इज 90 डिग्री. एफ ओ इज पैरेलल टू ई डी. एफ ओ इज पैरेलल टू ई डी. What is the ratio of area of triangle AOF? यहाँ देखिए फिर से ratio पूछ रहा है triangle AOF to that of hexagon ABCD EF. इसका area, इन दोनों का आपसे ratio पूछ रहा है. देखिए अभी हमने एक property पढ़ी थी कि अगर मैं इसके center से इसको मिलाना शुरू कर दूँ, देखिए एक equilateral triangle, दो, तीन, चार, पांच, छह. देखिए ऐसे छह इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है. तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिक्स इक्विलेटरल. तो ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या होगा, वन बाय सिक्स ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन. सिक्स ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है तो हर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, वन सिक्स. लेकिन अब जरा इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे जरा ध्यान दीजिए. आप सीधा आंसर बता सकते हो कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, दिस ट्राइंगल एओएफ, दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओएफ विल बी इक्वल टू हाफ होगा. ये इसे हम मान लेते हैं पी सेंटर को, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एफ. बीच में देखिए बिल्कुल बीच में डिवाइड हो रहा है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी हाफ है ये. अब आप सीधे बता सकते हैं, देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एफ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एफ जो है वो क्या है, वन बाय सिक्स ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन, ऑफ एरिया ए बी सी डी ई एफ. हेक्सागन का वन सिक्स है और उसका भी हाफ जो है ये ट्राइंगल है. तो ये कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन ट्वेल्थ हो गया ऑफ एरिया हेक्सागन का. यानी ट्राइंगल और हेक्सागन के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा, वन अपॉन ट्वेल्व. एरिया ऑफ ट्राइंगल एओएफ जो है वो वन ट्वेल्थ है इनटू एरिया ऑफ हेक्सागन एबीसीडीएफ. और जब इसका रेशियो लेंगे हम एरिया ऑफ एबीसीडीएफ के साथ, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ एबीसीडीएफ, देन इट विल कैंसिल. आंसर विल बी 1 अपॉन 12, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन 10 पे आते हैं. इन अ रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ डायगोनल इज के टाइम्स द नंबर ऑफ साइड्स. यानी हमें दे रखा है किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू के इनटू नंबर ऑफ साइड्स. यानी के इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन नंबर ऑफ डायगोनल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स. ये के टर्म है. अब पूछ रहा है इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज थीटा देन वैल्यू ऑफ के इज. के की रिलेशन बतानी थीटा के साथ.
तो देखिए एक फॉर्मूला इसमें ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखिए कि के इस इंटीरियर एंगल क्या है। अब देखिए ये कुछ रिलेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड, मतलब साइड है उसकी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब रेगुलर पॉलीगॉन को, तो रेगुलर पॉलीगॉन का होता है एन इंटू एन माइनस टू, एन माइनस टू अपॉन एन इंटू पाई, ये ईच इंटीरियर एंगल होता है और इंटीरियर एंगल हमें क्वेश्चन में दिया है थीटा, तो ये आ गया थीटा के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं देखिए एन पाई माइनस टू पाई इक्वल टू एन थीटा, एन इस तरफ आ गया तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा इक्वल टू टू पाई, यानी एन की वैल्यू आ गई हमारे पास टू पाई बाई पाई माइनस थीटा। दिस इज इक्वेशन वन, इंटीरियर एंगल से आ गया। अब नाउ नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो ये दूसरी रिलेशन जो आपको याद रखनी, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड, अगेन एन साइडेड है और क्या है रेगुलर पॉलीगन है, सो दैट इज इक्वल टू एन सी टू से डायगोनल बनते हैं और एन माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए हमारे पास, दैट इज गिवन के इंटू एन। तो हम लिख सकते हैं यानी एन से एन कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो के इज इक्वल टू आ गया एन माइनस थ्री अपॉन टू, इसमें से एन की वैल्यू इधर रख देंगे तो ये हो जाएगा टू पाई बाई पाई माइनस थीटा माइनस थ्री अपॉन टू, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास टू पाई माइनस थ्री पाई माइनस पाई थ्री थीटा माइनस पाई अपॉन टू इंटू पाई माइनस थीटा। तो देखो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अवर आंसर। ये हमने देखिए सॉल्व किया, लेकिन हमें दो फार्मूले की इसमें जरूरत पड़ी, तो ये आपको याद होने चाहिए क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन और नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ये फार्मूले होते हैं, तो आप इसे याद रखिए। इसको देखिए हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, थोड़ा समझ लीजिए उसे भी शॉर्टकट अगर हम करना चाहते। देखिए रेगुलर, सबसे छोटा रेगुलर जो होता है पॉलीगन वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हो जाता है, एन इज इक्वल टू थ्री तीन साइडेड, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और के इज जीरो, क्योंकि डायगोनल तो इसमें होते ही नहीं है। तो इसके बेस पे हम देखें, अगर रिलेशन देखें तो हमें ऑप्शन ए एंड बी मिलेंगे, सिर्फ सी और डी नहीं हो सकते इस बेस पर। अब उससे दूसरा लेते हैं रेगुलर, एन इज इक्वल टू फोर यानी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर में क्या हो जाता है थीटा इज 90 डिग्री, एन इज इक्वल टू फोर और थीटा इज इक्वल टू 90 रखना है, तो देखिए के की वैल्यू क्या आएगी, के क्या होने चाहिए, देखिए नंबर ऑफ डायगोनल स्क्वायर में होते हैं दो और साइड होती है फोर, तो के विल बी इक्वल टू 2/4 यानी 1/2, 1/2 आना चाहिए देखिए ऑप्शन ए और बी में से, तो बी में से नीट टू टू आ रहा है, ऑप्शन ए से 1/2 आ रही है के की वैल्यू, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये शॉर्टकट था, वरना फिर हम फार्मूले से इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, लेट ए बी सी डी बी अ रेगुलर हेक्सागन, एक हेक्सागन फिर से बनाते हैं हम, देखिए लेट इट बी ए देन बी देन सी देन डी देन ई एंड देन एफ, ये है रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। अब मेरा एरिया बताना है स्क्वायर का विद ए सी एज वन साइड, जिसकी वन साइड क्या हो ए सी हो, तो इसका एरिया बताना, ये साइड है हमारी स्क्वायर की, तो अगर इसकी हम लेंथ निकाल लें तो हम एरिया बता सकते हैं, तो हमारा काम बेसिकली क्या है, इसकी लेंथ निकालना। देखिए इस ट्राइंगल को ए बी सी ट्राइंगल को मैं एक्चुअली बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ इस ट्राइंगल को, क्योंकि इसी से हमें आंसर मिलेगा। देखिए इसे निकालने के दो मेथड हैं,
एक है मेथड जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, क्योंकि देखिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन तो होता है 120। तो अगर ये 120 है तो क्या आप ये बता सकते हो ए सी? देखिए जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है उनके लिए सीधे कोसाइन लॉ है। कोसाइन रूल क्या कहता है? कॉस थीटा यानी कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू, ये वन है ये वन है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 2 1 इंटू 1। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये इधर गया 3, तो ए सी आ गया √3। तो ये तो जल्दी से बता सकते हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, लेकिन जो मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ एमबीए एंट्रेंस की तैयारी के लिए उसमें मैं इतनी एडवांस मैथमेटिक्स यूज नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ हर तरीके का बच्चा चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो वो भी समझ सके। तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए फिर से इस ट्राइंगल को मैं बना रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या करूंगा, कोसाइन रूल वगैरह कुछ यूज नहीं करता, ये होता है 120 डिग्री। यहाँ से मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दिस इज वन, ये ए है ये बी है, इसे मान लेते हैं पी, ये है वन, ये 120 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा कितना 60 डिग्री, इसे मान लेते हैं एक्स। तो सिंपल हम लगाएंगे क्या ट्रिग्नोमेट्री, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइड अपोजिट यानी एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस 1। तो एक्स की वैल्यू आ गई कॉस 60 मीन्स 1 अपॉन, ओ सॉरी कॉस नहीं ये साइन होगा, साइन 60 क्योंकि साइड अपोजिट ले रहा है, तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 इज √3/2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई √3/2, तो एपी आ गया √3/2। तो जब हम इसका डबल करेंगे यानी AC विल बी 2 टाइम्स ऑफ √3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी √3, तो AC की वैल्यू आ गई √3। तो हम दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। तो ये वैल्यू आ गई √3, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा सिंपल जो भी उसकी साइड होती है उसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3। तो अवर आंसर विल बी दिस ऑप्शन नंबर बी। तो मैथमेटिक्स नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड दोनों को साथ लेके चलते हैं हमारी जो क्लासेस होती है एमबीए की उसमें। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें क्या करा, मान ली ए बी सी डी है, वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड, अवॉइड टू का शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल, मतलब मान लिया उसे ए से जाना था सी पर, तो ऐसे और ऐसे जाने की जगह उसने शॉर्टकट लिया और कैसे गया सीधे अलोंग द डायगोनल चला गया वो, दिस वन, एंड सेव द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लॉन्गर साइड। हम इसे मान लेते हैं एल बी, तो डायगोनल हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेव कर रहा है, यानी अगर वो ऐसे जाता तो एल प्लस बी डिस्टेंस चलता, लेकिन अब उसने डिस्टेंस कितना चला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना सेव किया उसने, सेव अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लॉन्गर साइड। तो हम मान लेते हैं कि लेंथ क्या है ब्रेथ से ज्यादा है, तो लेंथ का हाफ सेव किया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन द रेशियो ऑफ द शॉर्टर साइड टू द लॉन्गर साइड, यानी बी बाई एल का रेशियो पूछा है, क्योंकि तो लेंथ को हमने बड़ा माना है, तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में क्या रिलेशन होगी ये बताना है हमें। तो देखिए इसे सॉल्व करने की कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं, सीधे आप इसमें भी क्या करेंगे ऑप्शन लीजिए, देखिए बी और एल को ले लेते हैं 2x, तो देखिए यहाँ अंडर रूट है एल और बी, तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि रूट हट जाए, क्योंकि तो फाइनल वैल्यू में कोई रूट रूट नहीं है, तो 1 और 2 में तो नहीं आता ऐसा, 2 और 3 में भी नहीं आएगा, 1 और 4 में भी नहीं, इसी में आना चाहिए, ऑप्शन डी हम लेके देखते हैं। छोटी साइड हमारी ब्रेथ है तो 3x हो जाएगी, और बिगर साइड लेंथ है तो 4x, एल प्लस बी की वैल्यू तो हो गई 7x, और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया अंडर रूट 3x का स्क्वायर
एंड प्लस 4x का स्क्वायर। देखिए इसीलिए हमने इस ऑप्शन पे आए थे क्योंकि इसका स्क्वायर मिलके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 9 + 16 इज 25x² और इसे हम रूट से फिर बाहर ले सकते हैं। इसकी वैल्यू आ गई 7x, इसकी आ गई 5x, तो 7x - 5x आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है हमारे पास 2x। और राइट हैंड साइड को हम चेक करें तो देखिए लेंथ थी हमारी 4x, तो 4x / 2 इज 2x, दोनों साइड मैच कर रहे हैं, तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दिस वन। तो ऑप्शन भी हमें कई बार बहुत हेल्प करते हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज और कुछ फार्मूले और कुछ आपका एप्लीकेशन मिलके ज्योमेट्री के क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देयर इज अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है। यहां से मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सर्किल का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, ईच मेंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, S1 का सीक्वेंस है, n इज इक्वल टू 4, 5, 6। यानी देखिए क्या करा गया है इसमें, इसमें क्या करा गया है, इस सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, यानी सर्कमस्क्राइब किया गया है। एन इज इक्वल टू 4 मतलब 4 का जिस तरीके से सर्कमस्क्राइब किया गया है, एन इज इक्वल टू 5 में पेंटागन होता है, एन इज इक्वल टू 6 में क्या हो जाता है, हेक्सागन हो जाता है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बन जाते हैं, तो यानी ये सब सर्कमस्क्राइब किए गए, तो इसके सीक्वेंस को हम कह रहे हैं S1। यानी जो सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं मतलब बाहर की तरफ बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए सीक्वेंस ऑफ S1। एंड ईच मेंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन S2, S1 में सर्कमस्क्राइब है और S2 में क्या इनस्क्राइब है, यानी वो अंदर बनाए जा रहे हैं। अंदर एक स्क्वायर कर रहे हैं मान लिए, या फिर अंदर हेक्सागन है, अंदर पेंटागन है, इस तरीके से। ये सीक्वेंस किसका है, S2 का। इसमें क्या किया गया, इनस्क्राइब। दो केसेस है, S1 एंड S2। S1 में कर रहे हैं हम सर्कमस्क्राइब, एन इज इक्वल टू 4 यानी कि स्क्वायर कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू 5 का मतलब है पेंटागन है, एन इज इक्वल टू 6 का मतलब हेक्सागन, लेकिन सब क्या है, सर्कमस्क्राइब। तो बस आपको मेन ये याद रखना है। S2 में क्या किया गया है, इनस्क्राइब, यानी n इज इक्वल टू 4 का मतलब है स्क्वायर है जो कि अंदर इनस्क्राइब किया गया है, n इज इक्वल टू 6 का मतलब है अंदर हेक्सागन है, इस तरीके से। अब कह रहा है देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान दिए। लेट n1n एंड l2n डिनोट्स द पेरीमीटर ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉलीगन ऑफ S1 एंड S2। यानी देखिए n का मतलब है सीक्वेंस 1 वाला, यानी इनस्क्राइब किया गया पॉलीगन विथ साइड n, और l2n का मतलब है पेरीमीटर ऑफ, l1n का मतलब है पेरीमीटर ऑफ इनस्क्राइब वाला, और l2 का मतलब है, सॉरी, S1 सर्कमस्क्राइब है और L2 इनस्क्राइब है, पेरीमीटर ऑफ इनस्क्राइब। अब देखिए तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, तो पहले ये बस टर्म समझ लिए क्या होते हैं, इसके बाद तो एक जनरल रिलेशन है जो कि बहुत इजी है रिमेम्बर करने के लिए और आपको पता भी होगी। L113, L113 का मतलब है पेरीमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ साइड 17। कितनी साइड है उसकी, 17 साइड्स का सर्कमस्क्राइब पॉलीगन है, उसका पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है L113 से। और L217 का मतलब है अगेन पेरीमीटर ऑफ L2, क्या थे, इनस्क्राइब्ड वाले, इनस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ कितने
इतनी साइड, 17 साइड, सॉरी इसमें 13 साइड है, इसमें 17 साइड, ये है। तो बस एक रिलेशन जो आपको याद रखनी थी जो कि इसमें डायरेक्ट यूज होगी वो ये होती है, देखिए कि कोई भी सर्कमस्क्राइब्ड अगर फिगर है, सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन है, तो उसका पेरीमीटर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होता है, जिस सर्किल पे सर्कमस्क्राइब किया गया है उसका सर्कमफेरेंस। इसी तरीके से जो इनस्क्राइब्ड वाला फिगर है उसका जो पेरीमीटर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होता है किससे, जिस सर्किल पे उसे इनस्क्राइब किया गया है। यहाँ देखिए किस सर्किल पे इनस्क्राइब किया गया है, जिसका रेडियस क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन था 1 यूनिट, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो जाएगी 2πr, यानी कि 2π। तो L113 जो है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन 2π होगा और L217 जो होगा वो लेस देन 2π होगा। बस यही आपको याद रखना था, अब आप सीधे इसका आंसर दे सकते हैं। L113 प्लस 2π, यानी L113 प्लस 2π डिवाइड बाई L217, तो ये वैल्यू जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन 2π होगी। तो इन दोनों का सम मिलके ऑलवेज ग्रेटर देन 4π है और L217 जो होगा वो लेस देन 2π होगा। तो इनका रेशियो देखिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं, लेस देन 1 ग्रेटर देन 5/4 एंड लेस देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 नहीं, ग्रेटर देन 2 यस, लेस देन 5/4 नहीं। देखिए ये वैल्यू जो है 4π से बड़ी है, मान लिया हम मान लेते हैं फार थोड़ा 4.5π ले लेते हैं और इसको लेस देन 2.5 यानी 1.5π मान लेते हैं, तो देखिए इसको डिवाइड करें तो 3 आ रहा है रेशियो, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 2। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर देन 2। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है ABCD, ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल एंड दिस साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल। एरिया दे रखा है इसका 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, साइड CD एंड AD, CD की लेंथ है 9 और AD की है 16। Let P be a point on CD such that AP is perpendicular to CD. Okay, AP से perpendicular line जो होगी वो बाहर की तरफ इस तरीके से आएगी, this is AD, AP, AP is perpendicular to CD, then area in square centimeter of triangle APD, इसका area पूछ रहा है कितना होगा। देखिए आप क्या करते हैं, हम पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होता है देखिए बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पर देखिए बेस हो जाएगी हमारे पास जो गिवन है 9, 72 विल बी इक्वल टू 9 इनटू एच, एच की वैल्यू आ गई 8। इस का पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, अगर इसमें मैं बेस बना लूं ऐसे परपेंडिकुलर, दिस इज एच, तो इसका एरिया विल बी बेस हो जाएगा 9, ये भी 9 होगी, जब अपोजिट साइड है तो 9 इनटू एच, तो एच आ गया 8। तो ये हमारे पास क्योंकि तो दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 8। मैं ट्रायंगल यहां बना रहा हूं, दिस इज ट्रायंगल APD, दिस इज 90 डिग्री, तो AP की वैल्यू आ गई 8। AD की क्वेश्चन में हमें गिवन है 16, तो इस एरिया निकालने के लिए PD और चाहिए, तो PD कैसे आ जाएगा, इसे मान लेते हैं x, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इनटू a माइनस b, x की वैल्यू आ जाएगी 8√3, ये आ गया 8√3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, 4 ये आ गया 32√3।
आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। लास्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, ट्रेपेजियम डी ई एफ जी सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्किल दैट हैज अ सेंटर एट सी, इफ डी एम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो जो वैल्यूज गिवन है, डी एम इज 1, जी एन इज इक्वल टू 4, जी एन इज इक्वल टू 4, एंड मेजर ऑफ एंगल डी एफ, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री। ओके, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका रेडियस पूछ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे कंबाइन कर दूं ये सब क्या होंगे, रेडियस के बराबर है, तो रेडियस आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए जी एन एंड जी पी आर टेंजेंट्स टू अ सर्किल, टू द सर्किल है फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जी, तो ये हमेशा आपस में लेंथ में क्या होंगी, इक्वल। तो ये अगर 4 है तो जी पी भी कितना हो जाएगा, 4। सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखिए डी एम इज इक्वल टू डी पी, टेंजेंट्स है फ्रॉम पॉइंट डी, तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस। ठीक, ये हमें पता चल गया। अब देखिए सिर्फ एक इसमें अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं, देखिए डी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, ध्यान से देखिएगा, डी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, कुछ नाम दे देता हूं, मान लीजिए के, तो के एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1, बिकॉज ये 1 था डी एम, तो के एम भी क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए इस ट्राइंगल को मैं अलग ड्रॉ कर रहा, इस ट्राइंगल से हमें आंसर मिल जाएगा, ये जो ट्राइंगल है जी के डी, बस इस ट्राइंगल को हमें ड्रॉ करना और हमें आंसर मिल जाएगा जी इन ट्राइंगल जी के डी। देखिए जी एन कितना था, 4 था, और के एन था 1, तो ये कितना बचा, 3। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, बस अब आप इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन खत्म हमारा। जी के डी, जी के इज 3, जी डी देखिए जी डी कितना हो गया, 4 और 1 थे, तो ये दोनों मिलके होगा 5, दिस इज 5, तो डी के कितना आ जाएगा, मान लेते हैं x, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 4। ये अब आपको याद भी होना चाहिए कि 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए ये 4 आ गया, वापस इस फिगर पे आते हैं, देखिए ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 4, तो ये जो लेंथ है ये भी कितनी होगी, 4, और ये जो इक्वल है यानी एम एन जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स रेडियस के, और इसकी वैल्यू है 4, क्योंकि ये इक्वल टू किसके है, जी के, यानी हम लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू 4, तो रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए फिगर्स में ज्योमेट्री में ट्रिक क्या होती है कि बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, और थोड़ा आपको एप्लीकेशन होती है कि इसको हम इधर ज्वाइन कर दें, इधर कंस्ट्रक्ट कर दें, तो क्या रिलेशन बन सकती है। तो आज के में हमने पॉलीगॉन और क्वाड्रिलेटरल के कई सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और रिलेशन यूज करिए, जैसे सर्कमस्क्राइब पॉलीगन पेरीमीटर इज ग्रेटर देन दिस होता है और इनस्क्राइब का हमेशा लेस देन होता है, ये याद रखिएगा आप अच्छे से। कुछ हमने देखे ऑप्शन के बेस पे किए, कोसाइन रूल देखिए, ये मैथमेटिक्स जिनकी अच्छी है उनके लिए कोसाइन रूल है, वरना फिर हम बेसिक इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो हमारी एंट्रेंस क्लासेस होती हैं उसमें हम दोनों मेथड से समझाते हैं, ताकि जो कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो वो भी अच्छे से क्वेश्चन कर सके। ये कुछ बेसिक रिलेशन है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, देखिए कि एक हेक्सागन को वी कैन डिवाइड इन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑप्शन से किए थे ये क्वेश्चन, सिंपल थे ये, तो ऑक्टागन की साइड आई थी,
इंटीग्रल था। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री से घबराना नहीं चाहिए, बेसिक फार्मूला, थोड़ा सा एप्लीकेशन होती है कि इधर कंस्ट्रक्ट करते हैं, इधर देखिए इनफाइनाइट सीरीज का यूज हो गया हमने किया था, और ये सिंपल हमारे क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस, और इस वीडियो में हमने पॉलीगन एंड कोऑर्डिनेटर डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के।